आरसीबी सपोर्टर हेटर, आप भी हेटर है क्या? देखिए हेटर और सपोर्टर की इतनी टीमें भाई, सबको थोड़ी नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। ये तो कह रहे हैं केकेआर से जीत जाएगी आरसीबी, वो भी चिन्ना स्वामी में। केकेआर देखिए चिन्ना स्वामी को जो दूसरा मैच भी जीती थी वो भी जीती हुई मैच नहीं थी, वो तो कहिए कि दिनेश कार्तिक पता नहीं किस रूप में कौन से नए अवतार में। नहीं नहीं नहीं, वो जीता हुआ था, वो तो विराट कोहली आउट हो गए, विराट कोहली, वो तो विराट कोहली आउट हो गए ना। नहीं ये कहिए कि विराट कोहली ने रन बना दिए, वो तो दो फेस, तो विराट कोहली तो उसके मेन, विराट कोहली रन बना दिए, विराट कोहली तो मेन बल्लेबाज है। ये बताइए 75 में से विराट कोहली ने उतने रन बनाने के बाद अगर ये जीते तब, जब उन्होंने 10/28 मारे और भी उधर लॉन्ग रन मार रहे, तो भाई उनका वो फिनिशर है, तो उनका काम ही है फिनिशर भाई। फिनिशर 10/28 सुनिए, 10/28 बहुत ज्यादा होता, आसान नहीं होता। तो मारा था खिलाड़ी ने, खिलाड़ी ने मारा ना, तो यही चीज तो है भाई, प्रदर्शन किया ना, प्रदर्शन आया ना, जीते ना, तारीफ करनी चाहिए भाई, हार के क्या जीत गए भाई, उन्होंने प्रदर्शन करके जीता है। बिल्कुल, भाई विराट कोहली ना बनाते रहना, आपके मेन प्लेयर है विराट कोहली, आपको निराशा नहीं हो रही आपका 18 करोड़ वाले खिलाड़ी का? भाई ठीक है भाई, हमेशा नहीं होता है, ईशान किशन को खरीदा था मुंबई ने, नहीं चले थे मुंबई पहले वाले सीजन से, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ तो मैं प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया तब जीते, नहीं जीते आखिरी में दिनेश कार्तिक ने अच्छा प्रदर्शन किया तब जीते, तो टीम का कलेक्टिव परफॉर्मेंस आया तब जीते, कलेक्टिव ही तो आया भाई, जो शुरुआत की वो विराट कोहली ने, बताओ अंत किया वो दिनेश कार्तिक ने किया। केकेआर की टीम बॉलिंग और बैटिंग लेकर और आरसीबी को रखो तराजू में, आपको कौन सी टीम ज्यादा बेहतर लग रही है? देखिए मतलब इसमें क्या सोचे कि केकेआर के पास मतलब इतनी चीजें हैं, मतलब स्पिन में आप देखिए फंसाने के लिए उनके पास खिलाड़ी हैं, आप जिनके स्टार्टिंग बल्लेबाज नहीं चल रहे फिर भी टीम 200 रन बना दे रही है, अपने आप में ही खतरनाक, चल गए तो 400 बनेंगे, आपके अय्यर नहीं चले, आपके फील्ड शॉट की थोड़ी बहुत झलकियां देखी हमने, वेंकटेश अय्यर नहीं दिखे, आप फिर से अगर चल गए तो 400 बनेंगे भाई, अगर आरसीबी के सारे चल गए तो भाई कितने बनेंगे गिन नहीं पाएंगे। अरे तो देख लिए 17 सालों से तो चल ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तो केकेआर के भी कौन से चल रहा है, ट्रॉफी है वो तो, कब की जमाने हो गए भाई, जमाने हो गए लेकिन कप्तान आपके पुराने थे, पूरी टीम पुरानी थी, सब खेल थोड़ी ना रहे हैं, खेल थोड़ी ना रहे हैं, निराश किया कि चिन्ना स्वामी में 175 ही बना पाई नहीं थे वो तो। अरे भाई पंजाब पंजाब बना दी, पंजाब ने तो भाई ये बड़ा सवाल है, तो भाई उन्होंने शिखर धवन ने रन बना दिए, वो तो शिखर धवन का तो उन्होंने रन बॉल बनाए थे, बनाए तो चिन्ना स्वामी में आपके लिए पता है क्यों टेंशन की बात है, आपके जो प्रमुख भाई चिन्ना स्वामी में तो वैसे भी 200 बनते हैं यार, चिन्ना स्वामी में बात हो रही थी कि कम रन बने हैं, और पंजाब ने तो जाने, पंजाब ने बहुत बड़े बड़े रन स्कोर किए, थोड़े 10 रन और ज्यादा बन जाते फिर आरसीबी का क्या होता। वीरेंद्र भाई ने बहुत सही बात बोली, कह रहे हैं कि शिवम भाई नाराज मत होना, मजाक तो चलता रहता है लेकिन आरसीबी आपके साथ 16 साल से मजाक कर रही है। देखो ये क्या बोल दिया भाई, मतलब भाई कोई बात नहीं, आप खुद ही समझ सकते हैं। अरे यार यार इस चीज का जवाब आपको केकेआर की जीत के बाद, केकेआर से जीत के बाद जरूर मिलेगा। हाँ केकेआर की जीत के बाद, हाँ यार क्योंकि पता है मैं जो बोलता हूँ ना वो कभी कभी गलत निकल जाता है, इसीलिए मैंने जान बूझ के केकेआर की जीत बोला है, ताकि केकेआर पहले भाई क्योंकि वो तो दिल की आवाज है ना, आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझे, और जो अभी अरे यार ये भाई क्या हो गया, आरसीबी की तरह बातें कर रहे हैं, आरसीबी के लिए पता है ये तो चेंज, अब इन्होंने बता दिया करने पे इन्होंने बता दिया कि सच में आरसीबी के फैन है। सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, अगर आप देखिए लकी भाई कह रहे शुभिंदु भाई नो डाउट केकेआर अच्छी टीम है, पर मैनेजमेंट को प्लेयर पर पैसा नहीं लगा के एक सॉलिड कैप्टन पर दांव खेलना चाहिए ऑक्शन में। हाँ कहीं ना कहीं अगर आप देखिए जो स्टार पर पैसा लगाया, मैं तो उसके खिलाफ बिल्कुल, स्टार भाई स्टार का तो बैंड बजा दिया, 24 करोड़ अपने आप में यार, मतलब क्या ही बताएं, हमने आपको तक नहीं हो रहा है
भाई आपको दुख नहीं हो रहा, हो रहा है भाई, क्या मारा है क्लास इनने भाई, मुझे ये नहीं निकाल दिया भाई, भाई पूरा तेल पूरे 25 करोड़ निकाल दिए हमने ऑप्शन में, यही कहा था भाई ये तो पिटते हैं, तो ये तो हमने भी कहा था, या 24 करोड़ मतलब अपने आप में मतलब क्या सोच के लिया यार, बहुत ज्यादा है उनका, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की हाइप बनी है जिस तरीके से, हाइप के चक्कर में ये बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, चाहे कितना भी ओवर आपको कराने स्टार किए तो है नहीं कि बल्लेबाजी में रसेल है वो कि आके वो भी अटैक कर देंगे, और पैट कमिंस भी कौन सा बैटिंग कर ले रहे हैं भाई, उसने आखिरी बॉल पे चार रन, आपको चौका ही तो मारना था, चौका मारना है तो मार देते भाई, कम से कम एक होता, और ये भी देखिए पैट कमिंस स्टार दोनों टी20 में इनकी बॉलिंग मुझे तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप देखिए ना इनके पास जिस तरीके से वेरिएशन भी, और अपने फुल स्विंग में जाते हैं भाई, इनसे अच्छा ना हेजलवुड बॉलर है, बिल्कुल हेजलवुड की बात कर ले, चाहे जितने भी आप देखिए वहां पे एक्सपेरिमेंट वाले ऑस्ट्रेलिया के लिए बोल करके देते हैं, नाथन एलिस भी पंजाब में है वो भी उस तरीके से करके देते हैं, लेकिन पैट कमिंस और स्टार्क दोनों की जमकर पिटाई होती है, अगर स्टार्ट में उन्होंने विकेट नहीं ली, स्टार्क के लिए है कि आप स्टार्ट में स्टार्क से वो शुरुआत के दो ओवर में जैसे, फिर आप भुवनेश्वर कुमार की तरह आप भी पिटते, इवन इन सबसे बहुत बेहतर गेंदबाज है न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, बिल्कुल विकेट तो निकाल के निकाल देते हैं शुरुआत के दो ओवर में, टीम को खाली कर देते हैं वो, अभी पिछले मैच में उन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट में आपको यही चाहिए कि आपने विकेट दे दिए अपने लिए टीम के लिए, तो फिर आपके लिए जब मजा एक और मैच में आएगा जब नवीन और लहक केकेआर के सामने होंगे भाई, वो भी बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, नहीं वहां लड़े नवीन सर वहाँ, गौतम गंभीर है ना, वो तो कहेंगे कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ करा, तू आज हमसे तुझे मतलब वो नहीं होगा, देखिए मजा इस बात का आएगा, हर्षित राणा जो एग्रेशन दिखाए हैं उसको लेकर ट्रोलिंग होगी जब विराट के सामने आएंगे, क्योंकि आजकल रील वाला मामला है, तो ये कहीं ना कहीं उनका भी सुना विराट की एक वायरल चीज हो रही है, जो हरप्रीत बरार फास्ट तेज तेज से बोल रहा था, उन्होंने जो चीजें बोल रही थी भाई, जडेजा को भी उन्होंने बोला था, उससे पहले जडेजा को भी बोला था, तो आजकल थोड़ा सा एक्टिव मोड में विराट कोहली, जो इनिंग्स आई है ना मतलब अपने आप में बहुतों के मुंह बंद करने वाली भाई, अगर आप देखिए उसके बाद उन्होंने जो रवाडा पे जो पावर प्ले में सटा जो वो चौके मारे निकल के मारा था, और ये भी आपसे पहली बॉल में रवाडा मैच जितवाने के बाद जो उन्होंने बात बोली बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल उन्होंने जो बात बोल दी कि भाई देखिए मेरे नाम से तो क्रिकेट प्रमोट हो रहा है और लोग मुझे बाहर करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में मैं देख रहा था कि वहां पे भी जब ओलंपिक वाली बात हुई ना कि ओलंपिक में क्रिकेट आ रहा है, तो वहां भी जो ओलंपिक के परिषद जो भी हेड होंगे उन्होंने बोला विराट की फैन फॉलोइंग को देखते हुए हमने क्रिकेट को ऐड किया, विराट कोहली ने खुद ये बात देखी, कोई खिलाड़ी ऐसे नहीं बोलेगा, जब विराट इस बात को अगर खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई देखिए मेरे नाम तो अबसे अब क्रिकेट प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट, और ये साफ तौर पर वो जो लोग ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं उनके लिए ये बात है, और जिस तरीके से स्ट्राइक रेट भी था ना दमदार था उनका, तो बात आप बता देखिए जिस तरह से मैच विनिंग की पारी रही, लेकिन आरसीबी एकदम से एक ही खिलाड़ी पे निर्भर ना रहा भाई, यही तो गलती है भाई, देखो इतने लगातार सालों से जो चला रहा है, 2016 जो एक साल था वो अगर साल छोड़ दे, वहां कलेक्टिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी, लेकिन वहां पर भी विराट कोहली का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, 973 रन भाई, बच्चों का खेल नहीं भाई, इसके जाने के बाद ना वो फिनिशर नहीं मिला भाई यहां पर गद्दारी कर गए, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं शुभेंदु भाई आपकी केकेआर कोच की पोल डेविड विजे ने खोल दी, उनका रिसेंट इंटरव्यू पड़ा है, अब गंभीर के आने से टीम केकेआर और बर्बाद होगी, शिवम भाई केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच में आपके साथ हूं भाई, थैंक यू भाई, भाई दिल से रिस्पेक्ट आपके लिए, आप अपना साथ दीजिए यार, ये बताइए गंभीर के आने से टीम बर्बाद हो जाती है, लखनऊ बर्बाद होगी दो सीजन में, देखिए गंभीर, देखिए हर खिलाड़ी का ना एक इमोशन होता है टीम के प्रति, तो गंभीर को भले ही एलएसजी मिली लेकिन जो केकेआर से उनका लगाव है, ये बताइए एलएसजी लगातार दो सीजन में टॉप फोर में गई है, 10 टीमें खेल रही है लगातार टॉप फोर में जा रही है, वो खराब टीम हो गई, उन्होंने उस टीम को अच्छा लड़वाया, अच्छा बनाया, और इस बार मैं कह रहा हूँ ये जीतने वाली है केकेआर, केकेआर की देखिए टीम पता है क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो इंडियन प्लेयर्स के नाम है ना इसी टीम में है, जो सबसे ज्यादा प्लेयर्स है और नाम में एग्रेसिव भी है भाई, इनको चीज क्योंकि टी20 क्रिकेट में ना आपकी एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, और मेरा एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, पर मेरा मानना ये मत करिए भाई सुनील लैंस से ओपनिंग मत करवाइए, और ये भी है ना कि जो यश से आप उनको इम्पैक्ट प्लेयर ला रहे हो ना, आप वरुण चक्रवर्ती का भी कुछ करें, क्योंकि भाई फील्डर में मतलब ऐसे लगते है ना वो की कैच भी छूट रही है, तो होता नहीं कि कैच छूट गई तो थ्रो जल्दी कर दूं, कैच छूट रहे अब तो छूटी गई है, अब तो ले दो रन भाई, ऐसे वाला अंदाज एकदम ढीले आते हैं, बिल्कुल तो हाँ बिल्कुल, अगर आप देखिए सुयश ने कैच पकड़ के मैच बदल दिया, जो मैच कैच भाई वो कैच तो बहुत ही शानदार था यार, इनको कैसे भी करके बाहर करके मनीष पांडे को फील्डिंग के लिए लाकर खड़े रखा, आप वही है, लेकिन वही है ना कि आप चार ओवर इनसे ऐसी टाइम पे करा लो ना, दो ओवर पावर प्ले में निकालो, दो ओवर मिडिल ऑर्डर, लास्ट की जो क्रूशियल टाइम पे जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब फील्डिंग जरूरत है, आप इनको कह दो ऐसी जगह खड़ा करो जहाँ इनके पीछे भी फील्डर हो, ऐसे में
से छूटे तो पकड़ ले। और स्टार्क की भी फील्डिंग मैंने देखी, उनकी फील्डिंग भी अच्छी थी, जिस तरीके से उन्होंने स्लाइड लेके नहीं स्टार्क अच्छी फील्डिंग खरीदा फील्डिंग के लिए थोड़ी ना गया भाई, कह रहा हूं कि इनके पास जितने और लड़के हैं, चाहे वो हर्षित राणा के, तो आपने देख लिया भाई वो तो अग्रेशन ही अलग था, वो अलग ही है। लेकिन मेरा मानना भाई, लेकिन देखो अंकित भाई से भी सवाल कर, ये इस पे अंकित भाई कप्तान कौन है, मतलब कप्तान कौन लग रहा है, धुंधला सा दिख रहे हैं क्या? ये मुंबई ने आज फोटो डाली है, मैच डे है ना आज, मैच डे है, उन्होंने बोला है कि भाई जो रेस्ट डे हार्दिक के लिए आज। अब मैं क्या बोलूं, मतलब जो चीजें वहां अहमदाबाद में हो गई कि हार्दिक को किस किस चीजों से पुकार लिया गया और कितने हार्दिक हमें ग्राउंड पर, ये बताइए कि क्या मुंबई इंडियंस अब घबरा गई है या हार्दिक पांड्या को छुपा रही है रोहित शर्मा के नाम? ये मैच डे के परफॉर्मेंस वाली ब्रेविस है क्या साइड में सबसे? हाँ, तो तीन जो पिछले मैच के हीरो थे उनको इन्होंने चमका रखा है, चमका रखा है, इन्हीं से भरोसा है, मतलब हैदराबाद मुंबई ने भी बोल दिया है, लग रहा है आज ड्रॉप ना हो जाए ब्रेविस। ब्रेविस देखिए ड्रॉप इसलिए नहीं हो पाएंगे, सूर्य कुमार यादव आपके आ नहीं रहे हैं, तो आपके पास तो चाहिए ना खिलाड़ी उस तरीके से। और आप हार्दिक पांड्या के ऊपर इतना ज्यादा दबाव होगा ना कि अगर आज आपने प्रदर्शन नहीं करा, हार गया मुंबई, हार गई तो फिर भाई, भाई। बीच आईपीएल में हो जाएगा खेल, जसप्रीत बुमराह ले जाए 3 विकेट, फिर कप्तानी के प्रबल दावेदार भाई, क्योंकि देखो ट्रोल तो लगातार हो रहे हैं और अगर मैच भी नहीं जिता पाएंगे मुंबई इंडियंस तो हम लगातार ये बात कर रहे हैं। गेल भाई का वरुण चक्रवर्ती को अंपायर के पीछे रखो यार, मतलब अपने आप में ही वरुण चक्रवर्ती भाई हमारे यार, वरुण ना थोड़ा सा मुझे फील देते हैं उनका वाला क्या नाम फील्डिंग में अश्विन वाला, अश्विन अपने रवि अश्विन, तो वो तो यार थोड़ा मतलब दिखाते हैं ना कि मतलब बहाना भी करो यार थोड़ा, ये तो भाई ना बहाना करते हैं, बॉल आएगी नॉर्मल बॉल भी आने के बाद और डर भी लगता है इंजर्ड ना हो जाए, मतलब बॉल भी इस तरीके से थोड़ा पकड़ने वाले, लकी भाई करे के शिवम भाई शुभिंदु भाई को बता दो कि चाहे 16 साल से ट्रॉफी नहीं जीते हैं फिर भी आरसीबी के फैन फॉलोइंग केकेआर से बहुत ज्यादा है, शिवम भाई आप अकेले नहीं हो, तो वो अलग बात है, ये तो विराट कोहली ने भी कहा था, देखो अगर अगर फैन फॉलोइंग का वो आता है, आप अवार्ड आता है तो आरसीबी जीतो, जब तक वो क्वालिफायर के मुकाबले नहीं आते, जब क्वालिफायर में आरसीबी नहीं पूछती ना, फिर यही फैन कहते हैं कि क्या खेलते हैं यार भाई, अगर ऐसा होता ना तो 16 साल में जाने कितने सारे फैंस जा चुके हैं, आप खुश है ना, मतलब ऐसे खुश रहिए भाई, देखो देखो खुश है ना, तो रहिए खुश, ट्रॉफी चाहिए भाई फैंस की, मुंबई के पास जितने सारे फैंस हैं उन सबकी डिमांड यही है, ट्रॉफी चाहिए आपको, पता है फिर आपको आईपीएल की ट्रॉफी के बाद वही ट्रॉफी फिर से उठानी पड़ेगी जो स्मृति मंदाना ने आप लोगों को दी है, इसी को उठा के दो दो ट्रॉफी साथ बिल्कुल उठाएंगे, वो भी उठाएंगे आईपीएल की भी उठाएंगे, दोनों ट्रॉफी साथ में उठाएंगे, दोनों जो WPL की उसमें डबल हेड करेंगे, मुश्किल है आरसीबी के लिए क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप है ना कब तक बचेगी, नामुमकिन तो नहीं है ना, अरे भाई की क्या इतना मार मारेगी ना भाई, मुझे तो नस्ल का डर है भाई, ये तो ये भाई देखो लकी भाई, सपने में जी रहे हैं ये अभी नहीं जानते करण शर्मा को, मतलब पहले आपने कह दिया कि आप हो गए, करण शर्मा का भी एक रिकॉर्ड मैंने देखा है कि जिस जिस टीम से खेला उन्होंने चैंपियन बनाया, आरसीबी में क्या कह रहे हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, उनका कह रहा है मेरा लक वाला मामला चला गया, मेरा लक वाला मामला चला गया, यहाँ सब काम नहीं करता आरसीबी ने ऊपर लगा रखा भाई, यहाँ लगा हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल मत मानिए, नहीं तो फिर आप बाद में ये मत बोलिए करण शर्मा आ गए पिछले साल भी, नहीं भाई जीत तो जाए, मैं काम जीत तो जाइए ठीक, देखिए आरसीबी पंजाब दिल्ली ये तीनों टीमें ऐसी है ना जिनको बस मतलब क्या कहें कि वो आईपीएल उनके लिए केवल खेलने के लिए बना है।